लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। अभी कोरोना के ताजा मामले बढ़ते ही जा रहे हैं कि इसके दोबारा लौट कर आने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि अमेरिका को इस साल पिछले 7 दशकों से अधिक समय में सबसे भयानक मंदी का सामना करना पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष में GDP में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि कोरोना अगर वापस आया तो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट लेकर आएगा। इन अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2021 में अमेरिकी की वृद्धि दर 3.6% रहेगी। अमेरिका की संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स ने इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी किए हैं। इसमें यह अनुमान जताया गया है कि कोरोना महामारी के चलते अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 5.9% घट जाएगा। यह गिरावट 1946 के बाद सबसे अधिक होगी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की GDP में 11.6% की कमी हुई थी। एनएबी के 48 विशेषज्ञों के दल ने अनुमान जताया है कि जनवरी मार्च तिमाही में अमेरिका की GDP 5% घट जाएगी, जबकि इसके बाद अप्रैल जून तिमाही में ये गिरावट रिकॉर्ड 33.5% की होगी। एनएबी के अर्थशास्त्रियों के दल का अनुमान है कि 2020 की दूसरी छमाही में वृद्धि दर बेहतर रहेगी और इसके जुलाई सितंबर तिमाही में 9.1% और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में आ सकती है बड़ी गिरावट। रविवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 70 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 3,300 लोगों की मौत के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 4 लाख को भी पार कर गया है। नए केसों के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद अब भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत दुनिया में इस सूची में 5वें स्थान पर है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में 1,10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है।